कांग्रेस के नेता के एक तरह से चापलूसी करने के लिए दिल्ली से प्लेन पर बैठ कर जा रहे हैं, लेकिन उनके माननीय विधायक जो बिहार में, उनको अपने साथ लेके नहीं जा। और ये तो हम तो शुरू से कहें, ये दोनों लोग जो है एजेंडा विहीन लोग हैं, इनके पास प्रोपगंडा के सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कल तेजस्वी यादव ने प्लेन में राहुल गांधी के साथ मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी लग नहीं रहे हैं कि रिश्ते जो हैं वो बिहार कांग्रेस और आरजेडी के सुधरने वाले हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेसी विधायकों ने अपने तल्ख तेवर दिखाए। सबसे पहले कांग्रेसी विधायकों का तल्ख तेवर देखिए। कांग्रेस पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में हम लोग मजबूत करेंगे और अकेले ताकत रखेंगे, चुनाव लड़के जीतेगा। ये तस्वीरें बिहार कांग्रेस के नेताओं को मुंह चिढ़ा रही हैं। सर, कौन क्या कहता है? आप घर के मालिक अगर हैं तो आप बच्चे को कुछ बोलते हैं, शिक्षा देते हैं या कुछ बोलते हैं तो क्या वो मुंह चिढ़ाना होता है? ये सब फालतू बातें हैं। आप वो समझिए कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, आप तो सिर्फ बिहार में है, और आप सूरज को आईना दिखाने का काम मत करिए। जनता दल के नेतृत्व को यह फैसला करना होगा कि क्या वो अपने पार्टनर्स को साथ लाने में सक्षम है या अनर्गल बयान दे करके अपने पार्टनर के को एक 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 धक्के की स्थिति में ला रहे हैं, वो गलत है। मतलब आप लोगों को तवज्जो नहीं मिलता है बिहार में आरजेडी की तरफ? तवज्जो का है ही नहीं। व्यक्तिगत तौर पर क्या तवज्जो है पार्टी? हमारी पार्टी तवज्जो तो देश में पहले से लेकर आज तक तवज्जो का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इनको ढंग आना चाहिए, राजद के नेतृत्व को लूर आना चाहिए, ढंग आना चाहिए कि कैसे कॉलिशन चलाया जाता है, कैसे सामंजस्य बनाया जाता है। अगर वो ढंग नहीं है पॉलिटिक्स की तो आए, हम कांग्रेस पार्टी वाले सिखा देंगे। इस तेवर के बाद आरजेडी विधायकों का भी तेवर तल्ख रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि खुशी मना रही है, और दोनों ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी, दोनों ही दल क्या मजाक उड़ा रही है। भी किसी का सम्मान नहीं करती है आरजेडी। अपने गठबंधन में एक सीट के लिए कांग्रेस को बिहार से उठा के फेंक दिया, तो कांग्रेस के नेता के एक तरह से चापलूसी करने के लिए दिल्ली से प्लेन पर बैठ कर जा रहे हैं, लेकिन उनके माननीय विधायक जो बिहार में, उनको अपने साथ लेके नहीं चल। कांग्रेस से सीखना चाहिए, बार बार जो है इग्नोर कर रही है बिहार में, हमको उपचुनाव में टिकट नहीं देती है और MLC में भी टिकट नहीं दिया। क्या सही में आरजेडी के नेताओं को संस्कार नहीं है, लूट नहीं है? देखिए, आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक अपना गठबंधन के लोग हैं, UPA के लोग हैं। अब ये एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना, ये दोनों पार्टियों की अपनी व्यक्तिगत मामला है। और ये तो हम तो शुरू से कहें, ये दोनों लोग जो है एजेंडा विहीन लोग हैं, इनके पास प्रोपगंडा के सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो कभी उप्रोपगंडा इन पर करते हैं, कभी उप्रोपगंडा उन पर करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक लोग हैं। कुल मिलाकर कहें कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात की प्लेन में, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता या कहें कि विधायक जो हैं, उनके तेवर जो हैं वो नर्म नहीं पड़े हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के वजूद जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और जो हमें भाव नहीं दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, वो बिल्कुल सरासर गलत है। आरजेडी के नेता को लूर नहीं है, संस्कार नहीं है, इसलिए वो उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की, ऐसा लगा कि रिश्ते जो हैं वो रास्ते पर आ रहे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि आरजेडी के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं। रिश्ते दुरुस्त करने के लिए वो सीधे तौर पर इशारों में ही कहते हैं कि हमें भी हर चीज़ में भागीदार बनाया जाए, तभी तो रिश्ते होंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।